नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्णाभिषेक और गोविंदा के बारे में। दोस्तों, कृष्णाभिषेक पहुंच चुके अपने मामा गोविंदा के घर, वो भी उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके घर डिनर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, गोविंदा के घर पहुँच चुके उनके भांजे कृष्णाभिषेक। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन दोनों के बीच शॉर्ट आउट कैसे हुआ, इन दोनों के बीच रिलेशन कैसे नॉर्मल हुआ है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मनीष पॉल के साथ कृष्णाभिषेक का एक इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं अपने मामा गोविंदा को बहुत ज्यादा मिस करता हूं, मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मेरे चीची मामा मुझे माफ करे और मुझे और मेरे बच्चों को भरपूर प्यार दे। फिर इसके बाद दोस्तों, कृष्णाभिषेक का इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ और ये बात गोविंदा सर तक पहुंची। और फिर गोविंदा ने भी मनीष पॉल के साथ पॉडकास्ट किया और उन्होंने भी अपने दिल की बातें रखी। गोविंदा ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि मैं कृष्णा से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उनको अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगती है या घर के किसी भी सदस्य की कोई भी बात उनको बुरी लगती है तो तुरंत कॉल करके डायरेक्ट बात करें, न कि सोशल मीडिया पर इस बात को जाहिर करें। और फिर इसके बाद गोविंदा सर के ओपिनियन को लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा और कहा कि कृष्णाभिषेक अपनी जगह सही थे और गोविंदा सर भी अपनी जगह सही थे। और फिर इसके बाद लोगों को लगने लगा कि इन दोनों के बीच रिलेशन अब नॉर्मल हो जाएगा। और अब दोस्तों, हुआ ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, मनीष पॉल जिन्होंने गोविंदा और कृष्णाभिषेक का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ये बात बताई है कि कृष्णाभिषेक गोविंदा के घर पहुंचे हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि मनीष पॉल मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए और उनसे जब रिपोर्टर्स ने गोविंदा और कृष्णाभिषेक के बारे में पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने मामा और भांजे को मिलवा दिया है, कृष्णाभिषेक अपनी वाइफ के साथ अपने मामा के घर पहुंचे हैं, वो भी डिनर करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, और इसमें मेरा सबसे बड़ा हाथ है क्योंकि मैंने इनका इंटरव्यू लिया था और मैंने इनकी डायरेक्ट बात भी कराई है। और एक बात, कृष्णा जैसे इंटरव्यू में रोया था वैसे गोविंदा सर को सामने देखकर रोया था। दोस्तों, इतने कहकर मनीष पॉल ने अपनी बात खत्म कर दी। तो आप लोग गोविंदा और कृष्णा को लेकर कितना ज्यादा खुश हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।